नमस्कार, मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ अष्टिन न्यूज में। आज हम आपके लिए लाए हैं इको गार्डन धरना स्थल की एक विशेष रिपोर्ट, जहाँ पर कई संगठनों ने मिलकर किया धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लाए हैं सरकार के सामने। इस पे एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अपनी तीन मांगों को लेकर के संजय दीक्षित बैठे हुए भूख हड़ताल पे। आइए इनसे पूछते हैं कि किन कारणों के लिए ये अपनी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बताइए संजय जी। आज चौथा दिन है हमारी भूख हड़ताल का। मैं संविदा कर्मियों को समान काम का समान वेतन मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा संविदा और सरकार के बीच में जो एक सर्विस प्रोवाइडर रूपी दलाल लगा दिया गया है, उसको हटाया जाए। मनरेगा मजदूरों को पिछले कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है, तो विलंबित मजदूरी को ब्याज समेत दिया जाए। इन मांगों को लेकर मैं भूख हड़ताल पे हूँ, आज चौथा दिन है। तो जैसा कि अभी तक के कोई शासन या प्रशासन से आपकी वार्ता हुई कि आपकी मांगों पर विचार विमर्श हो सके? अभी प्रशासन के लोग यही आते हैं कि तीन दिन हो गए, आप उठ जाइए, आप खत्म कीजिए अपनी मांग। लेकिन वार्ता इससे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल अपना मत स्पष्ट करें, सत्ताधारी दल अपना मत स्पष्ट करें मेरी मांगों पे। मुझे वार्ता के लिए आप मुख्यमंत्री के वार्ता करने के लिए बैठे हैं? नहीं नहीं, वार्ता करने के लिए नहीं बैठे, ये मेरी मांगे हैं। इस पर राजनीतिक दल अपना स्थिति स्पष्ट करें। मैं तो गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, जब तक मेरे शरीर में दम होगी मैं करूँगा। तो गांधीवादी तरीके से ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जैसा कि इनके तीन सूत्री मांगे हैं, और तीन सूत्री मांगों में संविदा कर्मी, चाहे वो आंगनवाड़ी हो चाहे आशा बहु हो, उनके हक की लड़ाई यहाँ बैठ करके धरना स्थल पर तीन रोज से भूख हड़ताल पर है। जैसा कि प्रशासन तो यहाँ पे आ रहा है हालचाल लेने के लिए, लेकिन शासन अभी जाग नहीं रहा है। संजय दीक्षित की ये मांग है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो इसके ऊपर विचार विमर्श करे, जिससे कि संविदा कर्मियों का बहाली हो सके। जिन परेशानियों से वो गुजर रहे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी दूर करने की कोशिश ये कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद। आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कैसे आक्रोशित होकर सभी धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे। हमारे संवाददाता ने सबके पास जाके उनकी राय ली है। सरकार इसका क्या फैसला लेती, कैसे क्या कर रही है, हम अपनी अगली रिपोर्ट में बताते रहेंगे। आपको पता है ना, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी बताना है। नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक आपने हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। FB पे देख रहे हैं तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय।